हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कैट प्लस को कैसे रिसेट करते हैं। उसके लिए आपको जाना है, सबसे पहले आपको वॉल्यूम डाउन प्लस पावर की को प्रेस करना है। दोनों को प्रेस किए तो देखिए आ जाएगा। आने के बाद आपको जाना है ऊपर वाला बटन से क्लिक कर रिकवरी मोड पर जाना है। रिकवरी मोड पर जाना है। ऊपर जाने के बाद पावर की को प्रेस करना है। पावर की को प्रेस कर देंगे एक खुल जाएगा। इसके बाद ये जो ऑप्शन आएगा, इसके बाद हम लोग को पावर की प्लस वॉल्यूम ऑफ की को एक साथ प्रेस करेंगे। देखिए हमारा आ गया। उसके बाद वॉल्यूम डाउन की से हमको आना है वाइप एंड डाटा फैक्ट्री। वाइप एंड डाटा फैक्ट्री करना है और इसके बाद प्रेस कर देना है पावर की को। उसके बाद नीचे आना है यस पर और प्रेस कर देना है पावर की। उसके बाद ये होने लगेगा। उसके बाद पावर की को प्रेस कर देंगे रिबूट हो जाएगा। ये रिसेट हो रहा है। मैं बता दूं कि अगर आप रिसेट करने के बाद इसमें पार्टी लॉक लग जाता है तो रिसेट करने से पहले आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जरूर ध्यान रखना। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। नहीं तो रीसेट करने से पहले आप अपना गूगल अकाउंट मैनेजर को रिमूव करके एफआरपी करेंगे तो एफआरपी लॉक नहीं लगेगा। वाईफाई से मैंने कनेक्ट कर लिया।